स्टार्ट करते हैं, बच्चे ज्वाइन हो जाएं तो हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो ग्रुप में बेटे मैसेज कर दें ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ग्रुप में बेटे मैसेज कर दें ताकि सारे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो ओके। हम लोग ये बात कर रहे थे कि यूडीपी जो है वो रिलायबल डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, और टीसीपी जो है वो नॉन रिलायबल डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, सो ये इस तरह से है। ठीक है, ये हमने बात की। अब देखें कि और ये कि यूडीपी कनेक्शन लेस है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हम जो आपस में बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, इस जूम मीटिंग के अंदर हमने ये देखा है कि हम लोग जो बात करते हैं वो यानी रिलायबल नहीं है। ठीक है, मसलन मैं कोई बात करता हूं तो बाज़ औक़ात बीच में से कुछ कट जाता है आपका मैसेज। ठीक है, तो अगर आप तक सारा मैसेज ना पहुंचे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो आपकी टेलीफोनी है या वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो आप ट्रांसफर करना, इसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। यूडीपी क्या करता है, विदाउट वेटिंग डेटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और ऑडियो का या वीडियो का डेटा बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रीम होती है। यही बात है कि जब मैं मुसलसल तेज बोलता हूँ, स्पीड से बोलता हूँ, तो क्या होता है, आवाज कटने लग पड़ती है। ठीक है, और आपका थोड़ा सा आपको आवाज सुनाई देना बाज़ औक़ात बंद कर दिए हो जाती है। ठीक है, ओके। सो हम आगे चलते हैं। सो इसका मतलब, और लेकिन अगर फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल मैंने ट्रांसफर करनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल मैंने ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की अगर मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में अगर वर्ड की के डॉक्यूमेंट की चंद जो लाइंस हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, वो चली जाएं, ट्रांसफर हो जाएं, और उसमें से दो तीन लाइनें मिस हो जाएं, तो फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान होगा इसका। ठीक है जी, उसामा बेटे अनम्यूट कर लो। जी जी, आवाज जरा कट कट के आ रही है। अभी अभी बेहतर आ रही है या अभी भी? अब ठीक है सर, अब ठीक है। फर्स्ट टाइम आप मोस्टली जरा तेज बोलते हैं ना, तो उस टाइम वो कट जाती है। हाँ, सो बेटे मैंने आपको एग्जांपल दी है यहाँ पर के क्यों ये होती है। ठीक है, सो यूडीपी क्या करता है, यूडीपी को, हाँ, यूडीपी जो है रिलायबल नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि जो मैंने पैकेट भेजा है वो दूसरे एंड पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। जस्ट वो कहता है कि बस ठीक है, मैंने भेज दिया, उधर दूसरी तरफ पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है, सो ये चीज है। और टीसीपी जो है वो टीसीपी मेक श्योर करता है कि दूसरे एंड पे डेटा जो है डिलीवर हो जाए। टीसीपी ये नहीं करता कि डेटा जो दूसरे एंड पे जो डेटा डिलीवर होता है वो हाँ वो सक्सेसफुली जाएगा। जो पैकेट आपने भेजा है वो दूसरे एंड पे लाजमी पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो टीसीपी कहेगा दोबारा भेजो, सेंडिंग कंप्यूटर को कहेगा दोबारा भेजो यानी रीट्रांसमिशन करो। ठीक है, सो यूडीपी के अंदर रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूडीपी क्या करता है, डेटा सेंड कर देता है एक ही दफा, पहुंचे या ना पहुंचे।
ठीक है। सो ये इस तरह से वर्किंग होती है इन दोनों प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। तो इसका मतलब है वॉइस टाइप का जो डेटा होता है या वीडियो टाइप का जो डेटा होता है उसके अंदर यूडीपी यूज होती है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट या इस तरह की चीजें जब ट्रांसफर करनी होती हैं तो फिर आपको टीसीपी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, यानी रिलायबल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो अच्छा, एक यानी क्वेश्चन हमारा ये था कि यूडीपी की जरूरत ही क्यों है। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, जब हमने स्टार्ट की थी बात, हमने ये कहा था कि यार यूडीपी फिर रखा ही क्यों है, टीसीपी से काम चल जाएगा। जब डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है टीसीपी से तो हम यूडीपी को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। सो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल मिल गया होगा कि यूडीपी को क्यों यूज करते हैं जहां पे रिलायबल डेटा ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपकी चैटिंग की जो यानी ऑडियो चैट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस की एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो चैट होती है या ऑडियो चैट। ओके, सो आपको उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सो ये स्टूडेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको ज्वाइन कर लूं तो ये थोड़ी सी आवाज कटेगी। अच्छा बेटे, अपने ग्रुप्स में बच्चों को बता दो कि वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि ये सारा कवर हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब डेटा ट्रांसफर होती है, ठीक है, डेटा जब ट्रांसफर होता है एक एंड से दूसरे एंड पे तो क्या चीजें। पहले हम एक चीज कंसीडर करते हैं, फाइनर एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल ओवर व्हाट डेटा इज सेंट। जो डेटा सेंड हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल किसका ज्यादा होता है, ठीक है। अंडर यूडीपी एज सून एज एप्लीकेशन प्रोसेस पासेस अ डेटा टू यूडीपी। सर जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बेटे जो ही यूडीपी को डेटा ट्रांसफर होता है, मिलता है, यूडीपी क्या करता है, इमीडिएटली डेटा जो है ट्रांसफर कर देता है, यानी पास कर देता है, आगे मूव कर देता है। क्लियर हो गई बात, ये चीज क्लियर है कि यूडीपी के पास जो ही डेटा आता है वो आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, नंबर वन। लेकिन टीसीपी क्या करता है, टीसीपी ये काम नहीं करता। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म उसके अंदर है। कंजेशन कंट्रोल से मुराद क्या है, टीसीपी देखेगा कि उसके आगे जो राउटर है, अगर राउटर के पास डेटा ज्यादा है वो चेक कर लेता है। अगर डेटा ज्यादा है तो राउटर क्या करता है, राउटर डेटा को ड्रॉप करना शुरू कर देता है, यानी डिलीट करना शुरू कर देता है। तो टीसीपी क्या करेगा, डेटा क्योंकि उसने रिलायबल काम करना है ना डेटा, तो वो डेटा ड्रॉप नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो डेटा भेजेगा ही तब जब वहां पे राउटर के पास लोड कम होगा। सो इसका मतलब है टीसीपी क्या करेगा, डिले पैदा करेगा, देर से डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। सो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो डेटा ट्रांसफर है उसमें टाइम लगेगा, देर लग जाएगी। क्लियर हो गई बात। सो दिस इज इसकी वजह से टीसीपी को हम कहते हैं स्लो है, ठीक है। टीसीपी कंजेशन, देखे ना, कंजेशन कंट्रोल से मतलब समझ आई कि क्या करेगा, राउटर के पास अगर जो जिस राउटर के साथ वो कनेक्टेड है उसके साथ पास ट्रैफिक ज्यादा है तो डेटा नहीं भेजेगा, जब उसके पास ट्रैफिक कम हो जाएगी फिर डेटा भेजना शुरू कर देगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके भेजेगा, स्लो स्लो करके भेजेगा। यूडीपी ये नहीं करेगा, यूडीपी क्या करेगा, डेटा भेजा जाएगा, राउटर बेशक ड्रॉप कर दे डेटा, वो ये नहीं देखेगा। अब देखें, जब मेरी आवाज कटती है तो या मेरा राउटर जो है डेटा को ड्रॉप कर रहा है या आपका राउटर डेटा ड्रॉप कर रहा है, बात समझ आ रही है। सो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, सिंस रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफन रिक्वायर मिनिमम सेंडिंग रेट। अब रियल टाइम एप्लीकेशन कौन सी है, ये वाली जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जूम रियल टाइम है ना, रियल टाइम के अंदर काम कर रहे हैं ना, ऐसी बात है ना, समझ रहे हो। यस सर। रियल टाइम का मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये रियल टाइम है, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उसी वक्त आप सुन रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में डिले आएगा तो आपको देर से आवाज आएगी, ठीक है। तो रियल टाइम कहता है कि उसी वक्त सेंडिंग रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, नंबर एक, ठीक है, कि वो कहता है कि सेंडिंग रेट जो है स्लो होना चाहिए, बहुत फास्ट ना हो कि कम्युनिकेशन बिल्कुल वो हो जाए, या एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जो सेगमेंट है उनको आहिस्ता आहिस्ता करके
यानी स्लो करके ट्रांसमिट ना किया जाए बल्कि स्पीड से ट्रांसमिट किया जाए, ठीक है। वो नहीं चाहते कि ट्रांसमिशन जो है उसमें डिले आए, जैसा कि हमारे आती है, ठीक है। हमारे जब डिले आती है तो वो आवाज कटने लग पड़ती है। एंड कैन टॉलरेट सम डेटा लॉस, और जब मेरी थोड़ी सी आवाज कट जाती है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी समझ जाते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये टॉलरेट कर रहा है। देखें ये वॉइस, अभी मैं आपको एग्जांपल दे के एप्लीकेशन की बता रहा हूँ कि कौन सी हम यूज कर रहे हैं। ओके, टीसीपी सर्विस मॉडल इज नॉट पर्टिकुलरली वेल मैच टू दीज एप्लीकेशन। सो अगर हम इस तरह की एप्लीकेशन जैसे जूम है उसमें टीसीपी यूज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या होगा, डेटा बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि रिट्रांसमिशन बहुत होने लग पड़ेगी, ठीक है, और डेटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। दीज एप्लीकेशन कैन यूज यूडीपी एंड इम्प्लीमेंट एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। और जो ये वॉइस डेटा है इसमें यूडीपी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और होता है जिसे सिप बोलते हैं, SIP, सिप सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल है ये वॉइस डेटा को हैंडल कर लेता है, ठीक है। जब भी आपने वॉइस डेटा को या वीडियो डेटा को सेंड या रिसीव करना है तो आप SIP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, अगर आप IP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, नो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। पहली चीज ये थी कि फाइनर एप्लीकेशन कंट्रोल किसका है, TCP का, UDP का नहीं है, ठीक है। इसी तरह नो कनेक्शन स्टेट, क्यों, कनेक्शन की स्टेट को इस्टेब्लिश TCP करता है, TCP कनेक्शन रखता है, क्योंकि वो TCP क्या कर रहा होता है, एट वन टाइम आप मल्टीपल TCP के कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे होते हो। सो वो ऐसा नहीं करता कि एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन को दे दे, ये काम वो कभी भी नहीं करता, ठीक है। सो वो स्टेट और स्टेट को मेंटेन करता है, ठीक है। सो एक डेटा जो है वो एक आपके कनेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है, इसको स्टेट बोलते हैं। सो स्टेट जो है ना सिर्फ आपके कंप्यूटर में मेंटेन होगी बल्कि राउटर में मेंटेन होगी, उससे आगे जो राउटर होगा वहां पे भी मेंटेन होगी, और जिसका डेटा होगा उसी तरह उस स्टेट के अंदर वो डेटा वापस आएगा, ठीक है। सो रिसोर्सेज कुछ ना कुछ रिजर्व करने पड़ेंगे TCP के केस में, ठीक है। सो इस तरह से होगा, और यूडीपी जो है वो डेटा को सेंड कर देगा और स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा, वो डेटा को सेंड कर देगा, ये नहीं देखेगा कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है। ये स्टेट को मेंटेन करने का मतलब ये है कि वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगेगा, डेटा सेंड करता जाएगा और इसका इंतजार नहीं करेगा कि आगे से जवाब आए कि डेटा पहुंच गया है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं स्टेट को मेंटेन करना, ठीक है। ओके, जब एक डेटा पहुंच जाता है तो बस वो पहुंच गया, उसको खत्म कर दिया जाता है, दूसरे डेटा को लोड कर दिया जाता है, यानी एक पैकेट जब पहुंच गया तो फिर दूसरे पैकेट को भेजा जाता है, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। अगर एक पैकेट का कोई पार्ट नहीं पहुंचा तो उसको रिट्रांसमिट किया जाता है अंटिल के एक पैकेट पहुंच जाए, जब एक पैकेट पहुंच जाएगा तो फिर दूसरे पैकेट को भेजना शुरू किया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से वर्किंग होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो है स्मॉल पैकेट हेडर ओवर हेड, ठीक है। यूडीपी क्योंकि कम डेटा भेजता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, वो बहुत सारे काम नहीं करता, तो यूडीपी का जो हेडर होता है वो सिर्फ 8 बाइट्स का होता है, ठीक है, जबकि टीसीपी का जो हेडर है वो 20 बाइट्स का होता है, ठीक है, 20 से लेकर 60 बाइट्स तक का होता है, ठीक है, लेकिन यूडीपी का नहीं होता, यूडीपी का सिर्फ 8 बाइट्स का हेडर होता है, ठीक है। ओके, अब एक छोटा सा काम, ठीक है स्टूडेंट्स, उसामा आप सुन रहे हैं? सर, यस सर, ओके बेटे, आप छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखें TCP या UDP जो होती है उसे डेटा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर करना है तो क्या करते हैं, अब मैं इसका प्रोसेस आपको दोबारा से एक दफा बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो कि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं ताकि यहाँ पे आप वर्किंग कर सकें। जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसके पास क्या होगा, उसके पास एक वो होगा पोर्ट होगी, वो क्या करेगा, पोर्ट कहाँ है, रैम के अंदर एक जगह है,
उस रैम के अंदर, जगह के अंदर एक सेगमेंट क्रिएट होंगे और सेगमेंट के अंदर डेटा रखा जाएगा और उस डेटा को फिर आगे भेजा जाएगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर पैकेट बनाएगा, जो डेटा लिंक लेयर है वो फ्रेम बनाएगा और फिजिकल लेयर पे 0-1 बन के दूसरे कंप्यूटर की तरफ चला जाएगा। जब रिसीविंग एंड पे रिसीव होगा तो अगेन 0-1 रिसीव होंगे फिजिकल लेयर पे, लेयर टू के ऊपर उसके फ्रेम बनेगा और उसके अंदर से मैक एड्रेस निकाले जाएंगे और कंपेयर किए जाएंगे। फिर लेयर थ्री के ऊपर डेटा आएगा तो वहाँ पे डेटाग्राम्स को या पैकेट्स को निकाला जाएगा और जो डेटाग्राम्स हैं उन डेटाग्राम्स के को देखा जाएगा कि उसको डेटाग्राम को खोल के उस पर से देखा जाएगा, आईपी एड्रेस निकाला जाएगा। लेयर थ्री के ऊपर आईपी प्रोटोकॉल होता है, वो देखेगा कि मेरा ही डेटा है, तो अगर उसी का डेटा है तो वो क्या करेगा, लेयर फोर को दे देगा। लेयर फोर क्या करेगा, उस डेटा को किसी स्पेसिफिक पोर्ट के अंदर सेगमेंट की सूरत में रखेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब यह है कि जब एक सेंडिंग कंप्यूटर से एक प्रोसेस है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोसेस है, वो अगर डेटा को सेंड करेगा तो वो क्या करेगा, वो किसी पोर्ट के अंदर रखेगा डेटा को और उसके बाद वो डेटा सेंड होगा, ठीक है। और इसी तरह रिसीविंग एंड पे जब डेटा पहुंचेगा तो वो किसी पोर्ट में रखा जाएगा और उस पोर्ट से जो कंप्यूटर आपका प्रोसेस है रिसीविंग एंड पे, वो उधर से डेटा उठा के ले जाएगा और पोर्ट के ऊपर सिर्फ एक प्रोसेस को एक्सेस होती है। याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है उनमें से किसी एक प्रोसेस को उस पोर्ट के ऊपर एक्सेस होगी। याद रखिएगा, मल्टीपल प्रोसेसेस एक पोर्ट को एक्सेस नहीं करते कर सकते एक वक्त। क्लियर हो गई बात, ये चीज क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो बेटे पोर्ट का रोल समझ आया कि पोर्ट क्या चीज होती है। सो आईपी के थ्रू कंप्यूटर तक डेटा पहुंचेगा और पोर्ट के जरिए किसी एप्लीकेशन तक डेटा पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके बेटे, अब आप लोगों को मैं एक 5 मिनट का टास्क दे रहा हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, देखें ये जो पोर्ट्स, ये जो आपके सामने ये सर्विसेज लगी हुई हैं, सर्विसेज जो है डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर चल रही होती हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सर्विसेज आपकी डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर चल रही हैं। मसलन ये एसएमटीपी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी तरह टेलनेट जो है ये एक ऐसी सर्विस है जो क्या करती है, किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप उसको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। टेलनेट ये इस काम आती है, ठीक है। रिमोटली आप टर्मिनल के जरिए किसी लिनक्स या यूनिक्स के सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, विंडोज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमोट यानी विंडोज के अंदर रिमोट एक्सेस इसको बोलते हैं, रिमोट टर्मिनल सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके जरिए से मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, इवन इफ के वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। ऑल्दो इंटरनेट पे मैं करूँगा तो मुझे इंटरनेट की स्पीड अच्छी चाहिए होगी, ठीक है। ओके, इसी तरह मैं वेब के थ्रू, वेब क्या करता है, वेब एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। और एक प्रोटोकॉल और अपने पास नोट कर लें, वो है एचटीटीपीएस। HTTPS जो होता है वो सिक्योर प्रोटोकॉल है, वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो अपने डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता। तो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा को इनक्रिप्ट करना है तो HTTPS एप्लीकेशन जब यूज़ होगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा को भी इनक्रिप्ट किया जाएगा। और TLS जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट जो लेयर की जो सिक्योर सर्विस है उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर सर्विस, ठीक है। अच्छा, सो ये जितनी बेटे सर्विसेज लिखी हुई हैं, आपका टारगेट क्या है, 5 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, इन सब को का इंटरनेट के ऊपर इनके पोर्ट नंबर देखें। देखिए एसएमटीपी को कौन सी पोर्ट पे चलती है, टेलनेट किस पोर्ट पे चलती है, एचटीटीपी किस पोर्ट पे चलती है, एचटीटीपीएस किस पोर्ट पे चलती है, FTP दो पोर्ट्स यूज करती है, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सो बेटे आपने क्या करना है, इन सब की पोर्ट्स, ठीक है, इन सब की पोर्ट्स मुझे बतानी है, लिख के बताएं कि कौन कौन सी पोर्ट्स यूज करते हैं। ये इंटरनेट पे चेक करें और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें
5 मिनट्स हैं आपके लिए इस टास्क के लिए, ठीक है। 5 मिनट्स हम ये काम करेंगे, उसके बाद मैं इससे आगे आपको थोड़ा सा काम कराऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज यूडीपी सेगमेंट, जो इसको देखेंगे, और चेकसम। ओके सो बेटे आपने जल्दी से इसको कंप्यूट करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि फिर आगे एक दो टॉपिक हमारे रहते हैं उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने लगाना टाइम, ठीक है। तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे शेयर कर दें, बेशक ग्रुप में शेयर कर दें या पर्सनल, जैसे मर्जी आपकी, ठीक है।
ओके सो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद है ये आप जो टास्क मैंने आपको दिया है ठीक है वो ये था। ठीक है, इसकी स्क्रीन अगर किसी ने नहीं ली तो स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। वैसे तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आप प्रैक्टिस के तौर पर ये ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इनके पोर्ट नंबर्स पता हों। ओके, आगे चलते हैं। अब यूडीपी का सेगमेंट, जो यूडीपी का हेडर होता है उसके अंदर क्या डेटा आता है? नंबर वन, उसके अंदर सोर्स का पोर्ट नंबर यूडीपी क्या ऐड करता है, याद रखिएगा ये यूडीपी का है, इसका कोई ताल्लुक बाकी किसी लेयर से नहीं है। यूडीपी जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है वो क्या है, वो सोर्स की पोर्ट है, डेस्टिनेशन की पोर्ट है, लेंथ है डेटा के, कितने नंबर ऑफ बाइट्स कितने जो इस डेटा के अंदर हैं, और एक चेकसम। चेकसम ये चेक करता है कि जो बिट्स इधर से भेजी गई हैं दूसरे एंड पे सही दुरुस्त रिसीव हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, ये एक फार्मूला के तहत चेक होता है, चेकसम कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, कि चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है ये समझ लें। इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो डेटा हम चेकसम के जरिए से भेजते हैं, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे भेजते हैं, कंप्यूटर एक एंड पे चेकसम कैलकुलेट करता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता है। ठीक है, ये आपकी 2 बाइट्स की वैल्यू है, देखेंगे टोटल 32 बिट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एक बाइट ये है यानी 8 बिट्स, और दूसरी बाइट, सो ये 2 बाइट्स ये हैं और 2 बाइट्स ये हैं। ठीक है, सो ये 4 बाइट्स हैं जो कि 32 बिट्स बनती हैं। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि 2 बाइट्स का ये है, 2 बाइट्स का ये है, इसी तरह 2 बाइट्स का ये है, 2 बाइट्स का ये है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये 32 बाइट्स का यानी आपका इतनी 32 बिट्स का डेटा यानी 4 बाइट्स का डेटा है। ठीक है, और ये ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, डेटा कितना हो सकता है डिपेंड्स। ठीक है, और जितना डेटा होगा वो लेंथ के अंदर लिखा होगा कितनी बाइट्स जा रही हैं। ठीक है, और जो डेटा होता है वो वर्ड की सूरत में जाता है, वर्ड लेंथ जो है कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी यहाँ पे हम जो वर्ड लेंथ यूज कर रहे हैं वो 16 बिट्स की वर्ड का एक वर्ड है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, ओके, सो ये तो यूडीपी का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। और ये भी देखिए कि यूडीपी जो इसी ये जो टीसीपी है उसका थोड़ा सा इसके मुकाबले में जो हेडर होता है डिफरेंट होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से है, यूडीपी के अंदर इंफॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, तो किसी वक्त टीसीपी का हेडर भी हम ओपन करके देख लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यूडीपी ने सोर्स पोर्ट जो है आपका 16 बिट्स के अंदर लिख दी, डेस्टिनेशन पोर्ट भी 16 बिट्स के अंदर लिख दी, कि इस पोर्ट ये जो सोर्स का मतलब ये है कि सेंडर इस पोर्ट को यूज कर रहा है, और डेस्टिनेशन यानी इस पोर्ट की तरफ डेटा भेजा गया, यानी जो आपका रिसीविंग कंप्यूटर है उसके इस पोर्ट वाले एप्लीकेशन को डेटा देना है। ठीक है, डेटा ये डेटा कितना है, उसकी लेंथ नंबर ऑफ बाइट्स इसके अंदर लिखे होंगे, अगर यहाँ पे 4 बाइट्स हैं तो लिखे होंगे 4। ठीक है, यहाँ पर यानी बाइनरी में 4 लिखा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 बाइट्स हैं तो यहाँ पे 8 लिखा होगा बाइनरी में। ठीक है, इसी तरह चेकसम को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, अभी हम देखते हैं कि चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई जो डेटा जाएगा। अब ये चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्ज करें मेरा कंप्यूटर क्या करता है, मेरे कंप्यूटर ने ये 3 वर्ड जो है ये ट्रांसफर करने हैं, उसके पास डेटा कितना है यानी 16 बिट 16 बिट 16 बिट। ठीक है, तो ये इतना है 32 बिट्स प्लस 16। ठीक है, इतना डेटा उसने ट्रांसफर करना है मेरे कंप्यूटर ने। ठीक है, अब देखिए ये कंप्यूटर जो है डेटा को वर्ड की सूरत में ट्रीटमेंट करता है। अब देखें जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से रट लें, जबानी याद कर लें, पक्का पक्का, गलती नहीं करनी, गलती की आपकी आपकी गलती तसव्वुर की जाएगी, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। सो सोच समझ के इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, चलिए जनाब मैं आप बताता हूँ कि क्या करना है। ओके, चेकसम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब तीनों जो हमारे जो डेटा है जो कि 16 16 बिट्स की सूरत के टुकड़ों की सूरत में होता है, इन सब को ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, इनको 16 16 बिट के टुकड़ों में तकसीम करता है और उनको ऐड करता है।
तो चलिए पहले ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मुझे ये बताएं कि आपको, अच्छा उसामा मौजूद हैं, चलो बेटे मुझे ये बताओ कि एडिशन बाइनरी को ऐड करने के रूल्स पता हैं तुम्हें? यस सर, मालूम है। अच्छा गुड यार, ये तो मैं पहली दफा सुना हूँ किसी बच्चे ने ये बोला है, सब कहते हैं नहीं आता। ओके चलें, लेकिन अगर आपको आता है तो इट्स गुड, ठीक है। आप बताएं कौन कौन से रूल हैं, कोई रूल बताएंगे? रूल नाम तो नहीं पता, खाली ये पता कि जीरो अगर दोनों तरफ वन आ जाए तो ऊपर फिर 1-0 आते लास्ट में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, रूल्स पता है आपको इसका मतलब, गुड शाबाश। बेटे देखो पहला रूल क्या है, जीरो के अंदर जीरो ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्लियर होगी बात? देखो जैसे ये जीरो है, इसमें जीरो ऐड हुआ तो आंसर क्या आया, जीरो। पहला रूल ये है। दूसरे रूल की तरफ आ जाओ, अगर जीरो और वन ऐड होंगे तो आंसर आएगा वन, ठीक है। अगर 1-0 ऐड होंगे तब भी आंसर वन आएगा, ठीक है। तीन रूल हो गए, ठीक है, तीन रूल क्लियर, ठीक है, आसान है ये। अब जरा कॉम्प्लिकेटेड रूल की तरफ आते हैं, चौथा रूल। चौथा रूल ये है कि वन के अंदर वन ऐड हुआ तो आंसर क्या आया, जीरो, और वन चला गया कैरी, सर कैरी चला गया, वन कैरी चला गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? Yes, यानी वन के अंदर वन ऐड हुआ तो क्या हुआ, आंसर आया वन, और कैरी चला गया, आंसर आया जीरो, जीरो आंसर आया जीरो और कैरी हो गया वन। बात क्लियर होगी? दूसरा चौथा रूल समझ आ गया, ठीक है। आखिरी रूल इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखें कंफ्यूजन आती जाती है ना, ये चौथे और पांचवें रूल में कंफ्यूजन आती है, याद रखिएगा। अब पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल ये है कि आप ऐड कर रहे हैं वन वन और आपके पास कैरी है वन, ठीक है। Yes, sir. आप ऐड कर रहे हैं वन को वन में और कैरी आपके पास है वन, यानी आपके पास वन कितने हो गए, तीन। तीन। जब दो थे तो मैंने आपको दो दो वन का रूल बता दिया, जब तीन होंगे ना तो फिर क्या होगा, तीन सर वन आंसर आएगा, वन कैरी जाएगा। नहीं, हाँ गुड गुड गुड, सही, ठीक है, शाबाश, वन आंसर आएगा और वन कैरी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तीन, ये पांच रूल अब आपको समझ आ गए, ठीक है। सो ये पांच रूल अब आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, अगर आपने ये कैलकुलेट करना है। सो मैं इसको सम करता हूँ। देखिए इन पहले दो मेरे पास ये तीन वर्ड थे ना, इनमें से पहले दो मैंने ऐड किए, तो 011, ठीक है, 000, ठीक है, ये वन आ गया अगेन, और यहाँ पर भी देखें जीरो आ गया, कोई मसला नहीं, यहाँ वन आ गया, कोई मसला नहीं। अब देखिए 10 फिर वन आ गया, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ आया 11, आंसर आया जीरो और वन कैरी चला गया, और क्योंकि दोनों जीरो हैं इसलिए वन इधर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पे 101 था, वन आ गया, 10 था, वन आ गया, ठीक है, 11 आया तो आंसर क्या आया, जीरो और वन कैरी, फिर जीरोज हैं तो अगेन वन आंसर आ गया इधर, ठीक है। इसी तरह 01 है, ठीक है, तो वन, और 10 है तो वन, ठीक है, 11 है तो आंसर आ गया जीरो और वन कैरी, और दोनों जीरोज हैं तो वन इधर आ गया। क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर, ठीक है। अब ये जो, हाँ अब ये जो दो बेटे आपने नंबर ऐड किए ना, इसका जो आंसर आया है ना उसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, और ये जो तीसरी वाली जो आपके आपकी जो वर्ड था इसको आपने यहाँ लिखा, और अब गिवन होंगी, हाँ हाँ वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ठीक है, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, जितने भी गिवन होंगे, ठीक है, आप इनका सम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप देखें अब ये दो जो है इनका सम कैलकुलेट करें, देखें 100 हो गया, 101 हो गया, सॉरी 000 हो गया, ठीक है, और 11 जो है जीरो हो गया आपका, ठीक है, और कैरी जो वन चला गया, और 11 आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, और कैरी चला गया वन, फिर 11 आपका फिर अगेन जीरो हो गया, और कैरी जो है आपका फिर जो है वन आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, क्योंकि आगे जीरोज है ना, दोनों ऊपर दोनों जीरोज हैं, तो ये वन आ गया, ठीक है। अच्छा अगेन फिर देखिए 11 आया तो फिर आंसर आपका जीरो आया, ठीक है, और वन कैरी चला गया। अब क्या आया, अब 111 आया है, यहाँ पे 111 आया है, तो आपका वन आया और वन कैरी चला गया इधर। क्लियर होगी बात, समझ आई ना कि क्या हुआ है, ठीक है।
और यहाँ वन कैरी आया तो यहाँ पे वन वन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि दो वन थे, वन वन अच्छा जीरो, और वन कैरी इधर चला गया, जीरो ठीक है। वन कैरी, अगर वन कैरी इधर चला गया फिर यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल वन हो गया दोबारा से, ठीक है, वन आया और बस वन कैरी इधर चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। बस अच्छा अब क्या है, अब बोलिए। वन जीरो है आपके पास, ठीक है, वन कैरी है, ठीक है, वन कैरी है, तो क्या आया, जीरो आया, ठीक है, और वन कैरी वन चला गया कैरी आगे, ठीक है, फिर वन है, और वन वन फिर आपका क्या होगा, जीरो आएगा और वन कैरी चला जाएगा, अब अगेन जीरो वन आगे कैरी, जीरो जीरो है तो वन आ गया, क्लियर हो गई बात। जो आखिरी वैल्यू है वो क्या है, वन वन, ठीक है, तो वन वन का यस आंसर सर, क्या आया, जीरो, तो एक बिट वन कैरी चला गया। अब कैरी कैसे हैंडल होगा, वन जीरो आ गया कैरी तो इधर स्टोर नहीं कर सकते ना, हमारे पास 16 बिट सर। रखने की जगह है खाली, यस बात सर, समझ आ गई, वन जीरो सर, ठीक है। अब ये जो आखिरी जो बिट आई है ना, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, कंप्यूटर इसको हैंडल नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको हैंडल करने के लिए इस कैरी बिट को क्या करेगा, इधर नीचे लिखेगा, ठीक है, इस वैल्यू, इस सारे ये जो डेटा है ना, इसको इधर ऊपर लिखेगा, ठीक है, और वन को नीचे रख के इसको ऐड करेगा, इन सब के अंदर ऐड करेगा, बाकी सारे जीरो डाल देगा इधर, क्लियर होगी बात, बाकी इधर सारे ठीक जीरो हैं, हो समझ गए। अच्छा वन और गया। यस वन सर, को जब ऐड करेगा तो आंसर क्या आया, जीरो, जीरो कैरी, और जीरो कैरी, और के वन जीरो कैरी, और वन कैरी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जीरो था, अब इसके नीचे जीरो है, ठीक है, जीरो और जीरो को के अंदर अब जो अब वन और जीरो करेगा तो आंसर आ गया वन, और बाकी सारा का डेटा आपका एज इट इज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ आ गई। सम कैलकुलेट हो गया, कोई यस प्रॉब्लम, समझ गए वो सम कैसे कैलकुलेट होता है, सर, ठीक है। सो अगर आपको पेपर के अंदर यस सर, कहीं, ओके ठीक है, सो पेपर के अंदर अगर आपको ये चीज दी जाए तो यू कैन कैलकुलेट सम, ठीक है, ये एक पार्ट कैलकुलेट हुआ थैंक है अभी चेकसम का, ठीक है, और इसके बाद क्या करेगा चेकसम, क्या करेगा, जो वैल्यू आई, जो आंसर है आपका आया ना सम का, उसके ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा। अब ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है ये क्या होता है, ये बड़ी आसान जुबान में मैं आपको बताता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, इस डेटा पे, सर, 1 को 0 में जीरो को वन कर दें और वन को जीरो कर और दें, 1 को 0 कर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। जहां जहां जीरो है, देखिए यहाँ जीरो है तो इधर वन लिख दें, यहाँ वन है तो इसकी जगह जीरो लिख दिया, एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ तीन जीरोस थे, यहाँ तीन वन लिख दिए, ठीक है, इस तरह ये सारा डेटा वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो डेटा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेकसम, ठीक है, इस चेक से ये कितनी बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, ठीक है, ऊपर आए, देखें यहाँ पे चेकसम के लिए कितनी जगह छोड़ी हुई है, ये देखें, ये 32 बिट्स का हाफ है, तो ये कितना हुआ, 16 बिट्स, 16 ठीक है, सो चेकसम के अंदर ये वाली 16 बिट स्टोर हो जाएंगी और दूसरे कंप्यूटर को सेंड हो जाएंगी, बात समझ आ गई। सर, अगर इनमें से बेटे मैंने एक बिट भी चेंज कर दी ना, जीरो को वन या वन को जीरो किया, तो चेक सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, याद रखना, समझ आ गई, ठीक है। यस सर, अब ये जो चेक सम है, फर्ज करो ये नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा और उससे इस चेक सम के वैल्यू को अपने पास निकाल के रख लिया, रख लिया उसने, ठीक है, बाकी तो डेटा भी तो उसको रिसीव हो गया ना। अब वो जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो क्या करता है, उस डेटा के ऊपर दोबारा चेक सम कैलकुलेट करता है, उस डेटा पे जो उसको रिसीव हुआ है, हो सकता है उसमें से कोई बिट जो है जीरो से वन या वन से जीरो हो गई हो, समझ रहे हैं, तो चेकसम फिर चेंज हो दोबारा, जाएगा। हाँ, अगर वहां पे चेकसम चेंज हो जाएगा, इन दोनों चेकसम को वो मैच करेगा।